वहीं बीजेपी ने अपने लोकसभा सांसदों के लिए 22 मार्च के लिए व्हिप जारी कर दिया है। बता दें, सरकार इस दिन इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग के लिए नए बैंक बनाने से जुड़े बिल को ला सकती है और इसके अलावा दो अन्य बिल लाने की तैयारी है। और इस बीच राकेश सिंह की ओर से जारी 3 लाइन के व्हिप में कहा गया कि 22 मार्च को लोकसभा में कुल अति महत्वपूर्ण विधायी कार्य चर्चा और पारित करने के लिए लाए जाएंगे और ऐसे में पार्टी की सभी लोकसभा सांसदों से निवेदन है कि वो 22 मार्च को पूरे दिन सदन में अनिवार्य रूप से उपस्थित होकर सरकार के पक्ष में मतदान करें। और इस बीच वहीं पे एक तरह का डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन होता है, तो यहाँ एक लिखित आदेश होता है जिसे कहा जाता है कि पार्टी के सदस्य किसी महत्वपूर्ण वोटिंग के लिए सदन में उपस्थित रहेंगे। सभी राजनीतिक पार्टियाँ अपने सदस्यों को वहीं जारी कर सकती हैं, तो यहाँ पार्टी सदन के किसी सदस्य को वरिष्ठ सदस्य के रूप में नियुक्त करती है जिसे मुख्य व्हिप कहा जाता है। तो यहाँ व्हिप 3 तरह के होते हैं। तो बता दें आपको कि 1 लाइन का व्हिप साधारण होता है, तो 2 लाइन के व्हिप में सदस्यों को सिर्फ उपस्थित रहने के लिए डायरेक्शन दिया जाता है। तो यहाँ 3 लाइन के व्हिप में सदस्यों को सदन में उपस्थित होना अनिवार्य होता है। तो इस बीच पार्टी के हिसाब से वोट भी डालना होता है। अगर सदस्य नियम का उल्लंघन करता है तो उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है। तो इस बीच ज़्यादातर पार्टियाँ 3 लाइन वाला व्हिप ही जारी करती हैं क्योंकि यही वैल्यूएबल होता है और इस बीच हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में भी यही माना जाता है। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।